हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ थ्री डिजिट्स का स्क्वायर करना। थ्री डिजिट्स को कैसे शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से हम स्क्वायर कर सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। इसके पहले कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो कि मैं आपको बता देती हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक है कि जब भी आपको थ्री डिजिट स्क्वायर की बात करें या आपको थ्री डिजिट्स का स्क्वायर करना हो जो कि 101 से लेके 999 के बीच में आते हैं, तो उनके लिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको बेस देखना है, नियरेस्ट बेस। नियरेस्ट बेस मतलब वो नंबर किसके सबसे ज़्यादा नज़दीक आता है, और ये जो नियरेस्ट बेस है वो कौन से हमें लेना है वो देख लेते हैं। हमको नियरेस्ट बेस 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, इस टाइप से हमको नियरेस्ट बेस लेना है, या फिर हम 150, 250, 350, 450, इस प्रकार से हम नियरेस्ट बेस को ले सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक बार हमको नंबर प्लस करना होगा और एक बार हमको नंबर को माइनस करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बोला है 107 का स्क्वायर करना है। अगर हम 107 का स्क्वायर करते हैं तो सबसे पहले तो 107 किसके नियरेस्ट है? 100 के नियरेस्ट आएगा, करेक्ट। तो हमें क्या करना है, 107 अगर 100 के नियरेस्ट है और 107 को अगर 100 बनाना है तो कितना ज़्यादा हुआ, 107 मतलब क्या होता है, 100 + 7 होता है, करेक्ट। तो हमको एक बार +7 करना है और एक बार -7 करना है, मतलब जो भी नंबर नियरेस्ट नंबर से ज़्यादा लिखा हुआ है उसको एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, ठीक है। इसके बाद हमको इसे सॉल्व करना है। एक बार प्लस कर दो, 107 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा, ठीक है। और एक बार इस नंबर को माइनस कर दो, 107 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। मतलब बेसिकली हम यहाँ पे 107 +7 लिख रहे हैं इंटू 107 -7 लिख रहे हैं, करेक्ट। डिवाइडेड बाय 100, डिवाइड में हमेशा हमको क्या लेना है, 100 ही लेना है, ठीक है। 100 से 100 कट गया और एक लाइन ऐसे खींचनी है, और इस लाइन के जो बाजू में नंबर लिखना है वो जो भी नंबर हम प्लस और माइनस कर रहे हैं उसका स्क्वायर लिखना है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 × 7 = 49, ठीक है। 100 में से 100 कट गया, कितना बचा, 114, और ये 49 लास्ट में लिख दीजिए। तो ये हो गया आपका 107 का स्क्वायर। चलिए अब इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 208, 208 क्या होता है, 200 के नियरेस्ट का नंबर है। 208 किसके नियरेस्ट होता है, 200 के। तो 200 + 8 कर दिया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 200 + 8 और -8, जो भी नंबर एक्स्ट्रा है नियरेस्ट नंबर से उसको एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, ठीक है। तो एक बार प्लस करते हैं, कितना हो जाएगा, 208 इंटू, सॉरी ये होगा 208 +1 और 208 -8, मतलब ये दो जो 208 है आपका, इस 208 में एक बार 8 प्लस करेंगे और एक बार 8 माइनस करेंगे। तो 208 में 8 को प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा, 216, और 208 में 8 को माइनस कीजिए, हो जाएगा 200, और डिवाइडेड बाय 100। डिवाइड हमको हमेशा 100 से ही करना है, क्लियर। और एक लाइन खींचिए और लाइन के जस्ट बाजू में आपको जो भी नंबर आप प्लस और माइनस कर रहे हैं उसका स्क्वायर लिखना है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 × 8 = 64, 00 से 00 कट गया, 216 × 2 वही हुआ 64, मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2 और 1 = 3 और 2 × 2 = 4। तो ये हो गया आपका 208 का स्क्वायर, 43,264। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 307 का स्क्वायर करना। 307 300 का नियरेस्ट नंबर है, तो 300 +7 करेंगे, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, 300, 307 +7 और -7। एक बार हम 307 में 7 को जोड़ेंगे तो 314 हो जाएगा, इंटू एक बार 307 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा,
300, बटे में क्या करेंगे 100 लिखेंगे। एक लाइन खींचिए और ये जो नंबर दिया है उसको क्या करना है आपको एक बार स्क्वायर करके लिखना है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, 7 है 49, 00 से 00 कट गया, 314 गुणे 3 और ये हो गया 49। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 3 9 और ये हो गया 49। ये हो गया आपका 307 का स्क्वायर। अब देखते हैं नेक्स्ट 606 का स्क्वायर। 606 का स्क्वायर, 606 किसका नियरेस्ट नंबर है, 600 का नियरेस्ट नंबर है। लिख देते हैं 606 प्लस 6 और माइनस 6। एक बार 606 में 6 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 612 इंटू, एक बार 606 से 6 को माइनस करेंगे तो 600, 600 वो, और बट्टे में हमेशा क्या लिखना है 100 ही लिखना है। एक लाइन खींचनी है और जो भी नंबर हम प्लस माइनस कर रहे हैं उसका स्क्वायर लिख देना है। 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, ये 0 से 0 कट गया, 612 और 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो रहा है 6 दूनी 12, हाँ से लाइए 6 कम 6 और 1 7 और 6 6 36, तो ये आ गया 3672 और ये लास्ट का 36 हम यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका 705 का होल स्क्वायर। 705 किसका नियरेस्ट नंबर है, 700 का नियरेस्ट नंबर है। लिख देते हैं 705 प्लस 5 और माइनस 5। एक बार प्लस करके नंबर के लिखो तो कितना हो जाएगा 710 गुणित, एक बार माइनस करके लिखो 705 में से 5 घटा तो कितना बचा 700 बचा डिवाइडेड बाय 100। एक लाइन खींचिए, जो भी नंबर हम यहाँ पर प्लस और माइनस करते हैं उसका यहाँ पे क्या करते हैं स्क्वायर लिख देते हैं, 5 का स्क्वायर 25, ये 0 से 0 कट हो गए, कितना हुआ 710 गुणित 7 और ये हुआ 25। मल्टीप्लाई करो 7 0 0 7 1 7 और 7 7 49 और ये लास्ट का 25 हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 705 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब हम देखेंगे 125 का स्क्वायर। 125 किसका नियरेस्ट नंबर है, 100 का नियरेस्ट नंबर है। क्लियर। तो हम इसको लिख सकते हैं 125, क्योंकि 100 प्लस 25 होता है 125, हम लिख सकते हैं 125 में एक बार 25 को ऐड करेंगे और एक बार 25 को माइनस करेंगे। क्लियर। तो ऐड करते हैं कितना हो गया 150 हो गया और एक बार माइनस करेंगे तो कितना हो गया इनटू 100 बचेगा, 125 में से 25 गए 100 और बटे में भी कितना हो जाएगा 100। एक लाइन खींचेंगे और लाइन की दूसरी तरफ जो नंबर हम यहाँ लिखते हैं उसका स्क्वायर लिखेंगे, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। ठीक है। अब ये 100 में से 100 कट गया, कितना बचा 150 और इस तरफ बना 625। अब अगर आप लिख दोगे 150 625 तो ये आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है। तो क्या गड़बड़ हो रही है इसमें, अब गड़बड़ ये हो रही है कि जो भी नंबर हम स्क्वायर करके यहाँ लिखते हैं वो हमेशा 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, तीसरी डिजिट इसमें इंक्लूड नहीं होती। ये इस फॉर्मूले की, इस ट्रिक की शर्त है कि आखिरी में लिखे जाने वाला नंबर 2 डिजिट होना चाहिए। अगर नंबर 2 से ज़्यादा हो जा रहा है, डिजिट बढ़ रहे हैं, तो हम इसको हासिल के तौर पर आगे वाले नंबर के साथ जोड़ देंगे, ये कैरी ओवर बन जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे 150 में ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 156 और लास्ट का 25 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हुआ हमारा राइट आंसर। क्लियर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 498 किसके नियरेस्ट का नंबर है, 500 के नियरेस्ट नंबर है। 500 में से जब हम 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब आते हैं 498। क्लियर। बस हमें यही करना है 498 में एक बार प्लस 2 करना और एक बार माइनस 2 करना है, करेक्ट। चलिए एक बार प्लस 2 कर लेते हैं, तो 498 में जब प्लस 2 करेंगे तो कितना बन जाएगा 500 बन जाएगा। इसके बाद 498 में माइनस 2 करेंगे तो कितना बन जाएगा 496। बटे में 100, बटे में हमेशा 100 ही लिखना है। एक लाइन खींचनी है और लाइन के इस तरफ जो भी नंबर हमने लिया है उसका स्क्वायर लिखना है,
अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब शर्त हो रही है गड़बड़। शर्त क्या थी? आखिरी में कैसे होना चाहिए? 2 डिजिट होना चाहिए। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं? 04 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कट हो गया, 496 इंटू 5 वही हो गया 0। 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 छक्का हुआ 30, 3 5 9 45, 46 47 48 की 8 हाँ से लगे 4 4 5 6 20, 20 4 कितना होता है 24, और ये 04। क्लियर, ये है इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 856, 856 का स्क्वायर। अब ये ना तो 900 के नियरेस्ट नहीं है और ना ही ये 800 के नियरेस्ट है, क्योंकि अगर हम इसको 900 के नियरेस्ट लेंगे तो भी बड़ा डिजिट आ जाएगा एडिशन में, और अगर हम इसको 800 का नियरेस्ट लेंगे तो भी जो डिजिट आएगा प्लस और माइनस वो बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसका स्क्वायर करना और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ये नियरेस्ट नंबर नहीं लेंगे। मैंने आपको बताया था आप जो नियरेस्ट नंबर लेंगे वो 100 200 300 400, और इसके अलावा 150 250 350 450 ऐसे भी ले सकते हैं। तो हम इसका नियरेस्ट नंबर जो लेंगे वो लेंगे 850। ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 856, 850 अगर इसका नियरेस्ट नंबर है तो 850 प्लस 6 करेंगे तब 856 आएगा। क्लियर, तो 856 में हमको प्लस 6 करना है एक बार और एक बार माइनस 6 करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 856 में प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 862 इंटू, एक बार माइनस 6 करेंगे तो कितना जाएगा, 850 डिवाइडेड बाय 100। एक लाइन खींचा और जो भी नंबर हम प्लस माइनस करते हैं उसका स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं, कितना हो गया 36। सॉल्व कर लीजिए, ये 0 से 0 कट गया, करेक्ट। अब 5 से करते हैं, 5 2 10, 5 1 5, 3 बचा, 5 7 35। ठीक है, 5 2 10, 5 1 5, 3 बचा, 5 7 35, 2 1 2, 2 4 8, 2 3 6, 2 1 2 कितना आ गया, 431 गुणित 17 और ये हुआ 36। ठीक है, 431 में 17 का हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। मैं यहाँ कर ले रही हूँ 431 में 17 का गुणा, 7 1 7, 7 3 क्या हो गया 21, 2 7 4 28, 29 30 हो गया इंटू 431, 7 2 3 और ये 7 कितना आ रहा है, 7 3 2 7, और आखिरी का ये 2 डिजिट का नंबर लिख देते हैं 36। तो ये हो गया आपका 856 का स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको 3 डिजिट नंबर्स के स्क्वायर करने का ट्रिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।